हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11th क्लास का जो आपका यहाँ पे बायोलॉजी का जो थर्ड वाला चैप्टर है किंगडम प्लांटिया, उसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने अटेम्प्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपका एमसीक्यू टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन के यहाँ पे चार चार ऑप्शन दिए होंगे, चार ऑप्शन में से आपको कोई भी एक जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको चूज करना होगा और आपको लिखना होगा। ओके, यहाँ पे आप तीनों का आंसर देख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप डी और ई का भी जो आंसर है यहाँ पे आपको हाईलाइट हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल से क्या पूछा है कि आपको पी प्लांट, ज्वार और फर्न का जो एक सिस्टमैटिक पोजीशन होता है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशीज, ये सारी चीजें आपको लिखनी है एक फ्लो चार्ट के रूप में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पी है, ओके, पाइसम सैटिवम, उसके बाद यहाँ पे आपका ज्वार, उसके बाद यहाँ पे आपका फर्न, ये तीनों का यहाँ पे सिस्टमैटिक जो एक डायग्राम होता है उसको यहाँ पे हमने बना के दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला देखते हो कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, तो इसके अंदर आपको ग्रुप ऑफ एल्गी दिया है, क्लोरोफैसी दिया है, ओके, उसके बाद फियोफाइसी दिया है और रोडोफाइसी दिया है। ये तीन कैटेगरी आपको दी है, ओके, ग्रो एल्गी की। यहाँ पे आपको स्टोर फूड, सेल वॉल और मेजर पिगमेंट्स, ये सारी चीजों में कैटेगराइज किया है। और आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे जो खाली बॉक्सेस थे उनको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है आपका मैनिटल, लैमरिन एंड स्टार्च, ये है आपका फ्लोरिडिन एंड स्टार्च, ये है आपका सेल्यूलोज, ये है आपका सेल्यूलोज पैक्टिनेट्स एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे आपका क्लोरोफिल ए एन बी, यहाँ पे आपका क्लोरोफिल ए एन सी एंड द फुको जैंथिन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको डिफरेंशिएट बिटवीन द डाइकोटिलेडॉन्स एंड द मोनोकोटिलेडॉन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन, इनके क्या करना है कैरेक्टर्स के ऊपर इसमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो है आपका टाइप ऑफ रूट। तो टाइप ऑफ रूट में अगर डाइकोटिलेडोन रूट्स के बारे में बात करें और मोनोकोटिलेडोन्स प्लांट्स के रूट्स के बारे में बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इसका यहाँ पे हमने तीन तीन पॉइंट आपको मेंशन करके दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे वेनिशन और इन द लीफ, तो ये किस तरीके से होता है डाइकोटिलेडोन में और किस तरीके से होता है मोनोकोटिलेडोन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला देखते हो जिसमें आपको सिमेट्री ऑफ फ्लावर पूछा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो दो तीन तीन पॉइंट यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया है। आप चाहें तो इसके अलावा और भी जो पॉइंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हो तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन का आपको प्रॉपर तरीके से जो आंसर है वो आपको देना है। जैसे अगर आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हो कि वी ऑब्जर्व दैट लैंड बिकम बैरन सून आफ्टर मानसून, बट इन द नेक्स्ट मानसून इट फ्लरिश अगेन विद द वेराइटीज वी ऑब्जर्व इन द सीजन अर्लियर, हाउ यू थिंक इट टेक प्लेस। ओके, अगर आप देखते हो कि जो बारिश खत्म होने के बाद जो जितना भी पूरा लैंड होता है वापस सूख के वो बैरन हो जाता है। ओके, वहां पे जो भी घास उगी रहती है वो पूरी तरह से सूख जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश आने वाला होता है, बारिश आने के पहले ही आपको उस लैंड के अंदर वापस जो छोटे छोटे ग्रास है वो आपको उगते हुए दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपने कभी सोचा है? तो यही पूरा आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, वहाँ ये नेक्स्ट यहाँ पे जो उसका सेकंड पार्ट है आंसर का वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंदी आंसर है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको क्या पूछा है कि फर्न इज अ वैस्कुलर प्लांट, इट इज नॉट कंसिडर एज अ पैनिग्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे अगर आप फर्न की बात करो तो फर्न एक वैस्कुलर प्लांट है और इसको हम लोग फिनेरोग्राम्स के फिनेरोजैम्स के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का यहाँ पे जो आंसर है दोनों पॉइंट्स का वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो इसमें क्या पूछा है कि कैमेडोमोनस इज द माइक्रोस्कोपिक अवेयर, सरगैसियम इज द मैक्रोस्कोपिक, बोथ आर एल्गी, विच कैरेक्टर ऑफ दिस प्लांट इंक्लूडेड देम इन वन ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे आपको दो प्लांट्स के बारे में बात दी गई है और दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पे दोनों को अलग अलग ग्रुप में आप किस तरीके से यहाँ पे देखते हो इसके बारे में यहाँ पे आपको जो पूरा कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिर्थ ऑफ द मेज प्लांट डज नॉट इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जस्टिफाई। ओके, तो आपको पता है कि
जो मेज प्लांट का जो गिर्थ होता है वो एक समय के बाद बढ़ना बंद कर देता है, तो ऐसा क्यों होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में आपको पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है वो आपको यहाँ पे देना है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया है, ऑब्जर्वेशन में क्या बोला है कि राधा एब्जॉर्ब अ प्लांट इन रेनी सीजन ऑन द कंपाउंड वॉल ऑफ अवर स्कूल, द प्लांट डिड नॉट हैव द ट्रू रूट बट द रूट लाइक स्ट्रक्चर वेयर प्रेजेंट, टू विच ग्रुप द प्लांट में बी बिलोंग, ओके। तो ये ऐसे प्लांट आपको देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे, अगर आप देखोगे कि आपके आसपास के वॉल्स के ऊपर भी, जो आपके घर के बाहर है जिसपे बारिश होती है तो डायरेक्ट बारिश का पानी उसके ऊपर गिरता है, तो उसके ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे जो प्लांट्स है रेनी सीजन में वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो ये आप किसको किस तरीके से आप इसको ये करते हो, अलग अलग ग्रुप में आप किस तरीके से इसको बिलोंग करते हो या किस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आप कंप्लीट जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा था कि ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम, तो नीट लेबल डायग्राम यहाँ पे सबसे पहला था आपका स्पाइरोगायरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से स्पाइरोगायरा का जो डायग्राम है वो आपको बना के दिया है, साथ में बहुत प्रॉपर तरीके से हर एक ईच एंड एवरी पार्ट को लेबल करके भी यहाँ पे दिया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लैमेडोमोनस, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इसके अलग अलग जो पार्ट है वो किस तरीके से दिखते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से आपको दी गई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे फ्यूनेरिया, तो ये आपको ऐसे ही नॉर्मल आपको देखने के लिए मिल जाएगा रेनी सीजन में फ्यूनेरिया, तो ये आपको वॉल्स के ऊपर देखने के लिए मिलता है, या फिर अगर आप ऐसे जहाँ पे आप बहुत समय से कोई चीजें बंद है वहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहां पे आना जाना किसी का नहीं है, तो आपको ये हर जगह देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपरोलेपिस, अगर आप कभी ये पहाड़ों के साइड जाओगे तो वहां पे बारिश के सीजन में आपको ये नेपरोलेपिस का जो प्लांट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, कभी कभी ये वॉल्स के किनारे पे भी आपको उगते हुए देखने के लिए मिलते हैं, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में बहुत प्रॉपर तरीके से इसके हर एक पार्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ओके, लेबल किया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हैप्लोन्टिक एंड द हैप्लो डायप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ओके, तो दोनों को यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे हैप्लोन्टिक हो या फिर हैप्लोन्टिक डायप्लोन्टिक लाइफ साइकिल हो, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने ये किया है, ओके। और यहाँ पे दोनों का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में जो इसके नेमिंग है वो भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो जिसमें आपको पूछा है कि आइडेंटिफाई द प्लांट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर, ओके, आपको जो सीड प्रोडक्शन प्लांट है वो कौन से हैं, ओके, स्पोर प्रोडक्शन प्लांट है वो कौन से, इसके बारे में आपको बताना है। उसी तरीके से प्लांट बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड इंटू द रूट स्टेम्स एंड लीव, तो इसके बारे में आपको बताना है, ओके। प्लांट नीड्स वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बेस के ऊपर जो आपको प्लांट है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको पूछा, एक डायग्राम दिया था ये वाला, ओके, और इस डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा था कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, करेक्ट इट एंड राइट द इंफॉर्मेशन इन योर वर्ड, ओके। यहाँ पे आपको ये डायग्राम को देखना था और डायग्राम को देख के क्या करना था, आपको इन योर ओन वर्ड्स में इसका जो आंसर है वो आपको लिखना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल हमने जो 6 पॉइंट है वो 6 पॉइंट यहाँ पे आप लिखे, ओके। अगर आप चाहे तो इससे अधिक पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है आपका प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट टॉपिक, जिसमें आपको दो टॉपिक दिए जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक दिया है स्टडी ऑफ नेफ्रोलेपिस प्लांट इन डिटेल, ओके, तो नेफ्रोलेपिस प्लांट को यहाँ पे आपको स्टडी करना है और ये सारी चीजें आपको लैब के अंदर करनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज को लैब के अंदर अच्छे से करते हो तो ये बहुत ही कमाल का एक प्रोजेक्ट होगा और प्रैक्टिकल होगा, ओके, जिसमें आपको प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बारे में बताना है, उसके लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, रूट के सिस्टम के बारे में बताना है, उसके अंदर किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में, आपको लाइफ साइकिल, हैबिटेट एंड ग्रोइंग कंडीशन क्या होती है, मेंटेनेंस एंड केयर किस तरीके से होता है, पेस्ट एंड डिजीजेस क्या होती है, उसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, वो सारी चीजें आपको बतानी है। उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाला देखते हो, सेकंड वाले में आपको क्या बोला है कि स्टडी द कोरोलाइट्स रूट्स स्केल लीफ एंड द मेगा स्पोरोफिल ऑफ द साइकस इन डिटेल, ओके। तो यहाँ पे आप साइकस प्लांट को किस तरीके से उसके कोरोलाइट्स रूट के बारे में, स्केल लीफ के बारे में आप किस तरीके से उसके बारे में बता सकते हो, ओके, एक साइकस प्लांट के बारे में वो यहाँ पे आपको दिया है, ओके। जैसे
कोरेलॉइड्स रूट क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं, स्केल लीव्स कैसे होते हैं, ओके, मेगा स्पोरोफिल क्या होता है, रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं साइकस के अंदर, कोन डेवलपमेंट का कैसे होता है, ओके, लाइफ साइकिल क्या होता है, हैबिटेट एंड ग्रोइंग कंडीशन क्या होती है, और साथ में यहाँ पे जो एक कंप्लीट कंक्लूजन है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करके वहां पे भी आप जो भी क्वेश्चन चाहो आप हमसे पूछ सकते हो, ओके। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस हैं आपके लिए हम लाते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।